जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, वृंदावन लाल वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, जहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है और हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। 2020 टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री करवाई जाती है, तो इससे भी आप भाग लें इस टेस्ट सीरीज में। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप और लग जाइए अपनी तैयारी में। वृंदावन लाल वर्मा जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इनका जन्म कब हुआ था? वृंदावन लाल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सही आंसर है कि 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वृंदावन लाल वर्मा पीसी से थे, वकील थे, पुलिस थे, शिक्षक थे, न्यायाधीश थे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, यह पीसी से क्या थे? तो बिल्कुल सही आंसर बताया कि यहाँ पर जो सही आंसर है वह वकील आपका राइट आंसर होगा। साहित्यिक सेवाओं के लिए किस विश्वविद्यालय ने वृंदावन लाल वर्मा को डीलिट की उपाधि दी थी? तो ये आपके लिए बताने, किस विश्वविद्यालय ने वृंदावन लाल वर्मा जी को डीलिट की उपाधि दी थी? तो आगरा विश्वविद्यालय, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपके लिए बताना है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? झांसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही, 1889 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, वृंदावन लाल वर्मा मुख्यतः किस प्रकार के साहित्यकार हैं? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 है और 5 का सही आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये जो है किस प्रकार के साहित्यकार हैं, तो यहाँ पर दो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं आपके। तो देखिए, ये हैं उपन्यासकार और नाटककार के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं, उपन्यासकार और नाटककार आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वृंदावन लाल वर्मा का पहला नाटक माना जाता है, इनका पहला नाटक कौन सा माना जाता है बताइए? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है, इनका पहला नाटक जो माना जाता है वह माना जाता है सेनापति ऊदल, आपका राइट आंसर। वृंदावन लाल वर्मा का पहला नाटक कब प्रकाशित हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर, क्या है सही आंसर कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, 1909 में। वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा नाटक अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, इनका वह कौन सा नाटक था? तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 सेनापति ऊदल आपका राइट आंसर है। वृंदावन लाल वर्मा का पहला उपन्यास माना जाता है, कौन सा माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है और 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि संगम, आपका यहाँ पर सही आंसर है संगम। वृंदावन लाल वर्मा का पहला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित बताना है, ये कब प्रकाशित हुआ था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम उपन्यास माना जाता है संगम और ये जो प्रकाशित हुआ था 1928 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक झांसी की रानी कब प्रकाशित हुआ था, झांसी की रानी ये उपन्यास माना जाता है और झांसी की रानी ये उपन्यास माना जाता है वृंदावन लाल वर्मा का और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1948 दिया है और 1948 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 1948 या आपका 1946 होगा सही आंसर, यहाँ पर कहीं कहीं 46 भी दिया, 46 होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है, वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा कौन सी है, ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है, वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा पूछा है, तो आपका राइट आंसर है अपनी कहानी, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, अपनी कहानी बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, नहीं पूछा है आपसे, गढ़कुंडार या प्रेम की भेंट या भिकारणी या कुंडली चक्र, नहीं पूछा है तो भिकारणी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, देखिए इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है, तो यहाँ
यहाँ पर आपके लिए बताना है पूछा है आपसे, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है, विराट की पद्मिनी मृगनयनी कचनार आपका यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वृंदालाल वर्मा की उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, कौन सा सही अनुक्रम होगा यहाँ पर बताइए, क्या है राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि कचनार, मृगनयनी, अमरवेल और अहिल्याबाई आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सा नाटक बनलाल वर्मा का नहीं है, नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि हिंदू विधवा आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर, वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है ये नाटक, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताएं। यहाँ पर अपन ने देखे वृंदावन लाल वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड करना है, जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स और हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है, और यहां पर 2020 टेस्ट सीरीज भी आपके लिए फ्री करवाई जाती है, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। तो इस प्रकार सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, सरसा पब्लिकेशन का ही माला वस्तुनिष्ठ की बुक है, तो जो भी खरीदना चाहते हैं तो वह खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।